आजकल चारों तरफ कोरोना की ही बात हो रही है और कोरोना को लेकर लोग काफी पैनिक में हैं। सीजनल फ्लू को भी लोग कोरोना समझकर पैनिक करते हैं। आज हम लोग कुछ इसी तरह के केस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो पेशेंट है, इनका मेरे पास कॉल आया था और इन्होंने बताया कि इनको सिर में दर्द है, बदन दर्द है और तेज बुखार है। सुबह से इनको लगभग 3-4 घंटे हो चुके थे, इनको बुखार आ रहा था। इनके रिक्वेस्ट उन्होंने किया कि मेरे क्लिनिक पे आके ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, बट मैंने प्रिकॉशनरी उनको एडवाइस किया कि आप पहले अगर मैग्नेटिक एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट अगर ले लें तो उससे भी फायदा मिलेगा। और चांस की बात है, जिनके रेफरेंस इन्होंने मुझे कॉल किया है वो उनके पास वो ऑलरेडी मुझसे ट्रीटमेंट ले चुके हैं, तो मैग्नेट वगैरह इनके पास अवेलेबल थे। मेरे बताए जाने पर मैंने इनको फोटोग्राफ्स सेंड की और इन्होंने वैसे वैसे मैग्नेट लगा लिए। और पेशेंट का खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि विद इन 15 मिनट्स उनका बुखार उतर गया और बदन दर्द चला गया और 15 मिनट के अंदर ही वो मतलब सो गए। काफ़ी देर तक सोते रहे, रात में उठे हैं तो उन्होंने बताया कि 95% वो बेटर फील कर रहे हैं। अगले दिन ये हमारे क्लिनिक पे आए और उन्होंने मुझे पूरी ये बात एक्सप्लेन की है। इन्होंने ये बताया कि इनके साथ और भी लोग हैं, जो कि लगभग 8 लोग हैं ये लोग, और सभी को इसी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, काफ़ी पैनिक में थे ये लोग। तो ये मेरे पास और भी मैग्नेट्स और चीज़ें लेके गए और इन्होंने वहाँ पे लगभग 4 और लोगों को अप्लाई किया। तो जो ये टोटल 5 लोग थे, ये विदिन अ डे पूरी तरह रिकवर कर गए। बाकी जो 3 लोग थे, इन लोगों ने सिर्फ मेडिसिन लेनी प्रेफर की, लेकिन उनके जो अंदर रिकवरी आई वो अगले 2 से 3 दिन के अंदर वो पूरी तरह रिकवर कर पाए। तो देखिए, ये क्लियर कट केस है, ये कोरोना तो नहीं है, ये सीजनल फ्लू का केस है। और उसमें भी हम लोग देखते हैं कि जो रिकवरी अमूमन तौर पे 4 से 5 दिन ले जाती है, वो हम लोग पहले दिन में ही हम लोग पूरी तरह बहुत अच्छी रिकवरी ले सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि देखिए, हर सर्दी जुखाम के जो सिम्टम्स आते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको कोरोना ही हो, इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो सीज़न चल रहा है, बरसातों का सीज़न है और सर्दी जुखाम होना बड़ा आम चीज़ है, तो इसको लेके पैनिक ना करें। और दूसरी तरफ मैं एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से भी एक, अगर वो मेरा वीडियो देख सक रहे हैं तो मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक्यूपंचर या एक्यूप्रेशर को आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हो उसमें आप इसको एज ए साइड थेरेपी भी आप इसको दे सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जो पेशेंट को रिकवरी होने में समय ज़्यादा लग रहा है, वो समय बहुत कम लगेगा, उसके सिम्टम्स बहुत तेज़ी से जाएंगे और ये अल्टीमेटली पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इवन प्रशासन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और अल्टीमेटली मैं यही बोलूंगा, एक बार इसको अपना के देखिए और डेफिनेटली आपको इसमें एक डिफरेंस समझ में आएगा। हरे कृष्णा, मेरा नाम अमन गुप्ता है, मैं यहाँ कानपुर से इंजीनियरिंग करता हूँ। आज मैं आपको अपने एक अच्छे से मेडिकल एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि कल सुबह मुझे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और दोपहर होते होते मेरे बुखार भी हो गया था मुझे और सर में हेडेक भी हो गया था, तो मैंने अपने एक फ्रेंड के सजेशन पर डॉक्टर लव को मैंने कॉल किया, जिन्होंने मुझे तुरंत एक्यूप्रेशर मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में बताया, जिसे मैं घर पर ही अप्लाई कर पा रहा हूँ। और उसे अप्लाई करने के बाद मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर मुझे तुरंत रिलीफ मिल गया, सारा फीवर चला गया, बॉडी पेन चला गया और हेडेक चला गया। और यही नहीं, मेरे 5 फ्रेंड और भी थे जिनको सेम प्रॉब्लम था, तो मैंने डॉक्टर के गाइडेंस में उनको यही थेरेपी अप्लाई करवाया, उनको भी मात्र 2-3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा रिलीफ हो गया। मेरे लिए पूरा ये जादू था, क्योंकि बहुत ही कम समय के अंदर मैं और मेरे सारे फ्रेंड बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। तो मेरा आपसे ये सजेशन है, आपको भी अगर ऐसा कोई बीमारी हो तो तुरंत अपना फर्स्ट प्रेफरेंस डॉक्टर लव को ही दें। थैंक यू, हरे कृष्ण।